अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। ऊना बस स्टैंड के पास नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना के स्वान नदी में अवैध खनन खूब जोरों पर चल रहा है। 9 टन लोडिंग वाला टिप्पर 60 टन रेत लेकर जा रहा है। 8000 का टिप्पर भरा जा रहा है और इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? खनन माफिया से पुलिस की मिलीभगत है। क्या ऊना के एसपी बता सकेंगे कि स्वान नदी में अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा है? कितनी जेसीबी पोकलैंड चल रही हैं? 50-50 जेसीबी स्वान के अंदर अवैध खनन कर रही हैं, मगर हमारा पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा। जब हमारी सरकार आएगी तब इन अधिकारियों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। उनका जिला का हाल है, यहाँ तो एक ही काम है, बस आप सवेरे से शाम तक रेत के टिप्पर गिरो करके। कितने 9 टन का टिप्पर जो है 60 टन लेके जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों को कोई इजाजत नहीं है कि वो किसी टिप्पर को पकड़े। अभी एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा, उसने कहा माइनिंग ऑफिसर को फोन करके कि फलाने का जो है इतने टिप्पर खड़े आप हटा क्यों दिए 100 में। और थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा पूछा, कहता मैंने उनको बोल दिया शायद हट गए होंगे। अवसर मौके पे जाने की किसी अवसर की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है। और मैं आपके सामने आपके को चाहे ऊना से अशियानपुर रोड ले लो, पूरा आपको टिप्परों से लदा हुआ मिलेगा। चाहे आप गोलियां खेतों रोड ले लो, आपके कोई पूरी सड़क तोड़ के रख दी इन्होंने। चाहे आप शंकर का रोड ले लो, अभी सुबह ही मुझे एक फोन आया था, वो कहता कि यहाँ तो आप बहुत बदतमीजी होने लग पड़ी है कि हमें रास्ता भी नहीं चलने को मिल रहा है। चाहे नूरपुर बेटी का रोड हो, चाहे कोई और हो, टिप्परों का जो है पूरा साम्राज्य बन गया। और हमारा जो है सरकार की शह पे हो रहा है, एक टिप्पर 8000 रुपए में भरा जा रहा है। सरकार बताए कि ये 8000 रुपया और टिप्पर किसकी जेब में जा रहा है, और रोज 1000 टिप्पर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब 80 लाख रुपया रोज इकट्ठा कर रहे हैं। 80 लाख रुपया 8000 रुपए का टिप्पर, तुम्हारी इन टिप्परों का पैसा जो है खा रहा है, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? पुलिस वाले में बड़ा हैरान, मैं हरोली थाने में बड़ा हैरान करता हूँ। पुलिस मिली हुई है, पुलिस की मिली भगत है, और थानेदार जो है उन गाड़ियों में बैठ रहे हैं जो कि माफिया की गाड़ियां हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बर्फियों में पहन के जो है तान के चल रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको शर्म नहीं चाहिए, शर्म नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर ये सोचते हैं कि इसी दल की सरकार रहेगी, सरकार बदलेगी, आपको बता देंगे हम कि किस ढंग से आपको है, किस ढंग से आपने ये गलियां का काम शुरू कर रखा है। अगर थाने शामिल हो जाएंगे, अगर कानून के रखवाले शामिल हो जाएंगे, अगर पुलिस के थानेदार शामिल हो जाएंगे इन ब्लैक के धंधों में, काले धंधों में, तो ये शासन कैसे चलेगा? क्या पुलिस के एसपी बता सकेंगे, क्या ऊना का एसपी बता सकेंगे कि स्वा में पोकलैंड और जो जेसीबी है ये किसके इशारे पे चल रही है? पोकलैंड और जेसीबी स्वा में एंटर नहीं कर सकती। 50-50 जेसीबी जो है वो स्वा के अंदर है। 222 करोड़ रुपए का स्वा की चल रही है, इसका इन्होंने खुटा पिटा के रख दिया। इनके खिलाफ सुने आ रहे थे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। पुलिस का जो है फोन करके और जो है पुलिस को मौके पे न जाने देकर अफसरों को जो रोक के मुझे बताए कि डीसी उन्हें कितनी बार जो है सर्च पे गए हैं, एसपी उन्हें कितनी बार सर्च पे गए हैं, कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है जो 9 टन के टिप्पर जा रहे हैं और 60 टन के जा रहे हैं, उनके कितने चलान रोज हो रहे हैं, हिमाचल के संसाधन उनके जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे माफिया के शोर में जाते थे आज बाथरूम के राजीव गांधी भवन में बैठ के रात को नोट की हुए होते हैं, नोटिस दे रहे हैं, ये सेशन दे रहे हैं, ये प्रशासन दे रहे हैं,
जन सेना के दो लोग हैं जिन्होंने सारा समाज में ऐसा नहीं कर दिया है और कल तो धस करके गए। ये तो जो है मुकेश अग्निहोत्री और सतना राजा करके दो साल होते आप लोगों को, दो साल आपको हो गए जिस दल से आपने लूटा है, जिस दल से आपने क्रोध और हत्याचित किए हैं। क्या आज अच्छी सेवा देना चाहता हूँ ऐसे और बनने निकलिए। यहाँ पे हम जो है स्वयं बचाओ आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, जमानते लेके आ जाते हैं तब उन्हें पुलिस को याद आता है।
यहाँ करोड़ों रुपए की लॉटरी वाला भाग गया, एक साल बाद जाके पकड़ के कह रहे ऊना पुलिस बहुत होशियार है। ये जो काम चल रहा है हम कह देना चाहते हैं, हमने डीजीपी को भी इस मन से कहना चाहेंगे, हम सेक्रेटरी होम को भी कहना चाहेंगे, हम मुख्यमंत्री को भी कहना चाहेंगे, अपने जेलों को समझा लो, अपने जेलों को समझा लो। रोज हेलीकॉप्टर से अभी भी उन्हें होंगे ऊपर से, आप देख ले रहे हो ना क्या बन गया, किस ढंग से आपने इसको विरान बना दिया है। तो इसलिए ज्यादा ना कहता हुआ मैं जहाँ राठौर साहब का स्वागत करता हूँ, वहाँ प्रशासन और पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, निकलो दफ्तरों से, जाओ मौके पे, जो नाइंसाफी हो रही है, जो लूट हो रही है, नहीं तो अरबों रुपए के लूट का हिसाब अगले शासन में देना पड़ेगा। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।